बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ना है जी, असिस्टेंट एसएन जीएडी और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन को वाले से हम सेशन मर्ज करके चला रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के वाले से। ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें हमारे होते हैं जी स्टेटमेंटल क्वेश्चन। तो स्टेटमेंटल क्वेश्चन में हमने पढ़ना है जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी, ये नफा नुकसान वगैरह, फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, एज टाइम कैलकुलेटर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन एस इक्वल टू वीटी वाले क्वेश्चन, इनको हम ट्रेन क्वेश्चन भी कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैप पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन डिटेक्शन वगैरह पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वगैरह। तो ये हमारा डेली लाइफ जो ना आप स्टेटमेंटल क्वेश्चन होते हैं ये हमने सारे करने होते हैं। तो ये हम वन बाई वन सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका जो थर्ड पोर्शन होता है, थर्ड पार्ट आपका होता है मैथमेटिक्स का, वो आपका होता है ज्योमेट्री का। तो एंड पे हम ज्योमेट्री करेंगे, जो हमारा मैथमेटिक्स इंशाल्लाह ताला हर तरह से तैयार हो जाएगा। तो आज का लक्ष्य शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ आपके पास पेपर क्वेश्चन है, ये इसके सामने पेपर भी लिखा हुआ है कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का पेपर है, फिर एडमिन ऑफिसर का पेपर है, फिर जो ना आपके पास पीएमएस के 17 का पेपर थे कुछ, ठीक है जी। और ये सारे सारे क्वेश्चन जो ना एस एंड जीएडी के भी कुछ इसमें क्वेश्चन मौजूद हैं, ठीक है, जो आपका 2018 में पेपर हुआ ना एस एंड जीएडी का, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन जहाँ मैंने कुछ ऐड कर दिए हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है सारे के सारे, ठीक है, जो अगर कोई ना हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद आज हमने पढ़ा जी इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो इस्लाम का विरासती निज़ाम है ना, इस्लाम का विरासत का निज़ाम, इसके वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज हम इंशाल्लाह ताला करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट आज हमने मुताला पाकिस्तान में मुगल डायनेस्टी पढ़नी है, मुगलिया सल्तनत। मैंने आपको बताया था कि संडे को हम ऑफ़ करते हैं, कल चूँकि संडे है इसलिए कल हमारा लेक्चर भी नहीं होगा, तो कल आपके पास ऑफ डे होगा, तो आपके पास इनफ टाइम होगा। तो आप आज कल जो है ना मैंने मुगल डायनेस्टी के वाले से जो है ना आपका जो ग्रेटर मुगल थे ना बादशाह जिसको हम बोलते हैं बादशाह, ठीक है, BHAJSA बादशाह, बी फॉर बाबर, आई एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, ठीक है, जी फॉर जहांजेब, एस फॉर शाह जहां और ए फॉर औरंगजेब। तो ये बादशाह जो आपके जो फर्स्ट आपके छः जो मुगल बादशाह होते हैं ना, इनके वाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपके बड़े डिटेल से लिख दी हैं। अकबर लिखता है सबसे पहले, बाबर लिखा है, फिर हुमायूं लिखा, फिर इसके अंदर सूरी डायनेस्टी आई थी वो भी मैंने सारे लिख दी है। तो ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जिस अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि आपके पास कल टाइम होगा, तो आपने सारा दिन आपके पास फारिग टाइम होगा, कल लेक्चर भी नहीं होगा, तो परसों शाम को हमारा आपको पता है वीकली टेस्ट होना होता है मंडे को, तो आप ये इंशाल्लाह ताला इजीली इसको कर लेंगे। तो आज हमने पढ़ना जी इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ना, इसमें आपने क्या देखना है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है जी आपके पास ये जो आपके पास इनहेरिटेंस है ना, विरासत का कानून, विरासत का कानून सबसे पहले आपने बात याद करनी है, ये सिर्फ फौत शुद कांड के पे जो ना एप्लीकेबल होता है, जो बंदा फौत होता है ना उसके ऊपर ये अप्लाई होता है, ठीक है। अब जो बंदा फौत होता है, फौत होने वाले बंदे की दो तीन कैटेगरीज हो सकती हैं, एक वो बंदा जो आपके पास मैरिड है, एक वो बंदा जो अनमैरिड है, ठीक है जी, एक बंदा मैरिड और एक बंदा अनमैरिड। अगर कोई बंदा मैरिड है तो मैरिड के अंदर दो तीन कैटेगरीज हो सकती हैं, मैरिड के अंदर एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास औलाद मौजूद होती है, एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास औलाद होती है सिर्फ बेटी होती है, सिर्फ बेटी होती है, फिर एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास दो या दो से ज़्यादा बेटियाँ होती हैं, बेटा कोई नहीं होता, फिर एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास बेटा भी होता है, मीन के औलादे नूरीना भी होती है, बेटे बेटियाँ सारा कुछ होता है। ये चार किस्म के बंदे होते हैं जो मैरिड होते हैं, और अनमैरिड बंदे के पास तो आपको पता सिर्फ उसके जो विरासत का हकदार होते हैं वो सिर्फ उसके वालदैन होते हैं, उसके वालदैन ही होते हैं, वालदैन ना हो तो वालदैन की जो औलाद होती है उसके बहन भाई वो उसी की विरासत के हकदार होंगे। तो बेसिकली हमने ये जो चार कैटेगरीज है ना ये हमने पढ़नी है, चार कैटेगरीज। अब पांचवी कैटेगरी इसमें बना लें, जो आपके पास बे औलाद होता है, जिस बंदे के पास कोई औलाद नहीं होती। तो ये हमने चार पांच कैटेगरीज हैं यही हमने पढ़नी होती है, ये वो क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब देखें, एक बंदा जो आपके पास मैरिड बंदा है, ठीक है जी, एक तो ये बात होगी, तो वो बंदा बे औलाद है, उसके पास औलाद नहीं है, उसकी कैटेगरी क्या होगी। एक बंदा जिसके पास औलाद है लेकिन औलाद की तीन कैटेगरीज हैं, एक औलाद ऐसी है कि सिर्फ एक बेटी उसके पास है, एक औलाद इस तरह की है कि उसके पास दो या दो से ज़्यादा बेटियां हैं, और एक बंदा ऐसा है जिसके पास बेटा और बेटियां सारी हैं या एक बेटा मौजूद है कम अज़ कम, मीन के उसको नूरीना औलाद भी कहते हैं, नूरीना औलाद, इसके पास बेटा भी मौजूद है। अब ये तीन कैटेगरीज और एक ये चौथी कैटेगरी, ये आपने चार कैटेगरी अच्छी तरीके से पढ़नी है। अब सबसे पहले बात करते हैं बे औलाद बंदे की। अगर एक बंदा जिसकी औलाद नहीं है, बे औलाद बंदा है, तो उसकी विरासत के हकदार उसकी सबसे पहले उसकी बीवी होगी, प्लस उसके वालदैन होंगे
अब जो बीवी है ना, बीवी का हिस्सा होगा 1/4, चौथा हिस्सा होगा बीवी का, बाकी सारे का सारा उसका वालदैन को चला जाएगा, और वालदैन की जो औलाद होगी वो अपने वालदैन के मुताबिक वो तकसीम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा बंदा जिसकी औलाद नहीं है तो उसकी बीवी को उसकी उसकी जनाब विरासत में कितना हिस्सा मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसा बंदा जिसकी जो मैरिड बंदा है और उसकी औलाद भी मौजूद है, चाहे वो बेटा है, बेटियाँ, सारा कुछ जो कुछ भी है, औलाद मौजूद है, तो उसकी बीवी को मिलेगा 1/8। उसकी बीवी को क्या मिलेगा? 1/8 हिस्सा, आठवां हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अगर औलाद है तो बीवी को आठवां हिस्सा, अगर औलाद नहीं है तो बीवी को चौथा हिस्सा। ठीक है जी, अगर औलाद है तो बीवी को आठवां हिस्सा, अगर औलाद नहीं है तो बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा। ये तो बीवी की बात यहाँ पर ख़त्म हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, नेक्स्ट औलाद की बात करते हैं। अगर तो एक ही बेटी है, अगर एक बंदे के पास सिर्फ एक ही बेटी है तो एक बेटी को मिलेगा 1/2, आधा हिस्सा। आप जितनी भी जायदाद होगी उसका आधा हिस्सा उसकी बेटी को मिलेगा, बाकी सारे का सारा उसके वालदैन को चला जाएगा, तो ये क्लियर होगी बात। ऐसा बंदा जिसकी सिर्फ एक ही बेटी है तो सबसे पहले हम उसकी बीवी को 1/8 देंगे और उसकी बेटी को 1/2 मिलेगा, दूसरा हिस्सा मिलेगा, बाकी सारे का सारा उसके पेरेंट्स को चला जाएगा। फिर एक ऐसा बंदा जिसके पास औलाद है, जिसकी औलाद है लेकिन वो दो बेटियाँ, दो या दो से ज़्यादा बेटियाँ हैं, तो फिर बेटियाँ जो है ना, सबसे पहले बेगम को 1/8 हिस्सा मिलेगा और बेटियों को मिलेगा 2/3 हिस्सा, बाकी सारा का सारा उसके वालदैन को चला जाएगा, तो ये आपने 2/3 और 1/8 ये आपने क्लियर करनी होती है। फिर बात करते हैं जी, अगर एक बंदा जिसके पास औलाद है और उसके पास सारा कुछ है, बेटे भी हैं और बेटियाँ भी हैं, तो फिर इसमें भी सबसे पहले बीवी को मिलेगा 1/8 हिस्सा, बाकी जो बेटे और बेटियां हैं ना इस तरह से तकसीम होगी कि बेटे को 2 हिस्सा मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। मीन्स कि अगर बेटी को 1,00,000 रुपया मिलता है तो बेटे को 2,00,000 मिलेंगे। मीन्स के एक बेटी का हिस्सा जो है ना उसका डबल करके उसके भाई को मिलेगा, यानी कि बेटे को मिलेगा, बेटे का डबल होगा, बेटी का सिंगल हिस्सा होगा। तो ये आपने चीज़ें जो है ना बार बार ये वीडियो को रिवाइज करके, रिपीट करके, पॉज करके सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कि बंदा जिसके पास औलाद है या औलाद नहीं है, सबसे पहले ये क्लियर कर लें उसकी बीवी को कौन सा हिस्सा मिलेगा, औलाद की सूरत में कौन सा मिलेगा और बे औलाद की सूरत में कितना हिस्सा मिलेगा। फिर जो अगर उसकी औलाद है तो फिर देखना है कि बेटी अगर एक ही बेटी है तो फिर कौन सा हिस्सा मिलेगा, अगर बेटियां ज़्यादा हैं तो फिर कौन सा हिस्सा मिलेगा, अगर बेटे और बेटियां सारा कुछ है तो फिर कौन सा हिस्सा मिलेगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन थोड़े से करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जी, असलम लेफ्ट एसेट्स ऑफ 4,00,000, 4,00,000 रुपया उसने छोड़ा है, 2 sons and 1 daughter, while his wife died 2 years ago, distribute the assets among the family. अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जिस बंदे के पास औलाद होती है ना, बेटे बेटियाँ सारा कुछ होता है, नूरीना औलाद होती है, उसकी विरासत में वालदैन का कोई हिस्सा नहीं होता, बेटे और बेटियाँ सारा कुछ हो या सिर्फ एक बेटा भी हो, कम अज कम बेटा होना चाहिए, तो उसके वालदैन का कोई हिस्सा फिर नहीं मिलेगा। अब एक बंदा कहता जी 4,00,000 रुपया छोड़ के गया है, ठीक है जी, 4,00,000 रुपया वो तकरीबन यहाँ से छोड़ के गया है, आपने क्या 40,00,000 वो छोड़ के गया है, 2 उसके बेटे हैं और 1 उसकी बेटी है और बीवी उसकी पहले ही फोत हो चुकी है। अब इसका मतलब है उसके पास बेटा भी, 2 बेटे भी हैं और 1 बेटी भी है, इसका मतलब है नूरीना औलाद है, इसमें उसके वालदैन को तो कुछ नहीं मिलेगा, बीवी को मिलना था लेकिन बीवी चूँकि पहले से फोत हो गई है। अब उसके 2 बेटे हैं, 2 उसके बेटे हैं, 2 सन हैं और 1 उसकी बेटी है, 1 उसकी डॉटर है। अब इनमें हमने तकसीम करना है, तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास जितने बेटे होते हैं ना, बेटे को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जितनी डॉटर्स हैं, जितनी बेटियां हैं, उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर निकाल लेना है। 2 × 4 = 4, 1 × 1 तो आपके पास टोटल हिस्से हो गए 5, टोटल हिस्से कितने हो गए जी 5 हिस्से हो गए। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास अमाउंट दिया 40,00,000, इसको आपने 5 पे तकसीम करना है, 5, 8 × 40, 8,00,000 आ गया एक हिस्सा, एक हिस्सा कितना आ गया 8,00,000। तो एक हिस्सा जितना भी होता ना वो बेटी को मिलेगा एक हिस्सा 8,00,000 और इसका डबल करके 16,00,000 मिल जाएगा बेटे को, तो दोनों बेटों को 16,00,000, 32,00,000 और 8,00,000 अपनी बेटी को मिल जाएगा, तो टोटल 40,00,000 इसका मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, फरहान लेफ्ट 5,00,000, 5,00,000 रुपया छोड़ा है, 1 बेटा है और 1 बेटी है और 1 बीवी है, अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है।
अब देखिए सबसे पहले आपके पास बीवी मौजूद है ना, तो बीवी का बनता है 1/8। आपको पता जब जब आपके पास औलाद मौजूद होती है तो फिर आपने बीवी को 1/8 देना होता है। तो आप क्या करेंगे, 5 लाख, 5 लाख को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 62,500। 62,500 रुपया जो है ना, ये आपने बीवी का निकाल दिया। 62,500 रुपया आपने बीवी का निकाल दिया तो पीछे आपके पास अमाउंट बढ़ गई 4,37,500। 4,37,500 जो है ना, इसको तकसीम करना है आपने कितने, एक सन है और दो एक दो बेटियां, एक सन है और दो डॉटर्स हैं। सन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ज़रब 2 प्लस डॉटर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 = 2, तो 2 और 2 आपके पास कितने आएगा, 4 हिस्से। टोटल आपने 4,37,000 के 4 हिस्से करने हैं। तो आप इसको आप जब हम सॉरी चार नहीं आपने तीन तीन हिस्से तीन एक बेटी है एक दो बेटी नहीं एक बेटी है, ठीक है जी। तो आपके पास एक सन है और एक ही डॉटर है, ठीक है जी। सन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़रब 1 और डॉटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आपके पास 3 बन जाएंगे। तो 3 हिस्से आपने करने हैं 4,37,000 के। 4,37,000 को 3 पे तकसीम करें, जो जवाब आएगा वो आपका बेटी का हिस्सा होगा, उसको डबल करके आपके बेटे को हिस्सा मिल जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अकमल हैज एसेट्स 10 लाख रुपीज़, 10 लाख उसके एसेट्स थे। उसके पास जो उसकी डेथ के टाइम 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी और 1 उसकी बीवी थी। अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 10 लाख रुपए आपके पास इसकी एसेट्स हैं, इसको सबसे पहले बीवी को दे 1/8 हिस्सा। 1/8 हिस्सा 10 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा ये आपके पास बीवी का हिस्सा आएगा। जो भी बीवी का हिस्सा निकलेगा उसको 10 लाख से माइनस करें, आपके पास आंसर आ गया। जो भी आंसर आएगा उसको फिर आपने औलाद में करना है। 3 आपके पास बेटे हैं, 3 बेटों को 2 से मल्टीप्लाई करना, 6 हिस्से बन गए। 2 डॉटर्स हैं, 2 बेटियां हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हिस्से ये बन गए। टोटल आपके पास 8 हिस्से बन गए। जो भी आंसर आएगा उसको 8 पे तकसीम करके जो आंसर आएगा वो बेटी का हिस्सा होगा, डबल करके बेटे का हिस्सा होगा, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, अ मैन हैज़ एसेट्स ऑफ 3 लाख, 3 लाख रुपये उसके एसेट थे। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही हैज़ 2 डॉटर्स, 2 उसकी बेटियाँ थी। फाइंड द शेयर ऑफ डॉटर्स इन हीज एसेट्स, ठीक है जी, इन हीज एसेट्स लाइफ। अब क्या जी, अ लेफ्ट, उसकी 2 बेटियाँ, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। जब उसकी 2 बेटियां हैं सिर्फ, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मिलेगा 2/3। बेटियों को क्या मिलेगा, 2/3। अगर बीवी होती तो पहले बीवी का निकाल लेते, बीवी क्योंकि कोई नहीं है। अब आप क्या करेंगे, 2/3 जरा आपके पास क्या आ गया, 3 लाख क्या आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर 1 से आ गया, तो 2 × 1 = 2, तो 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया बेटियों को मिल जाएगा और 1 लाख रुपया वालदैन को चला जाएगा। अब 2 बेटियां हैं तो हर बेटी को लाख लाख रुपया मिल गया, हर बेटी को लाख लाख रुपया मिल गया। तो ये आपने इसको जो है ना इस्लामिक हेरिटेज लाख को करना होता है, क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, अ मैन एसेट्स ऑफ 4 लाख, 4 लाख रुपया एसेट था, हैज़ ओनली 1 डॉटर, सिर्फ एक ही बेटी है और 1 बीवी है उसकी। फाइंड द शेयर इन एसेट्स ऑफ डॉटर एंड वाइफ। अब चूंकि उसकी एक ही बेटी है, एक ही बेटी है लेकिन बीवी भी मौजूद है, तो बीवी को क्या मिलेगा, 1/8, 4 लाख को 1/8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 50,000। 50,000 रुपया तो बीवी का निकल गया, पीछे आपके पास रह गया 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपये को आप क्या करेंगे, बेटी चूंकि एक ही है तो उसको करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ करेंगे, तो आपके पास कितना बन जाएगा, आप क्या करेंगे, 1,75,000। 1,75,000 बेटी को मिल जाएगा, बाकी सारा किसको चला जाएगा, वालदैन को चला जाएगा। नेक्स्ट है जी, अ मैन हैज़ नो चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं है। After his death, find the share of his wife in his assets. जब उसका बच्चा ही कोई नहीं है तो फिर बीवी का कौन सा हिस्सा होगा, 4/4, 0. आपके पास 2/5 या 1/4, 1/4, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अनमैरिड पर्सन डाइड, लेफ्ट एसेट्स ऑफ 6 लाख रुपये हैं और वो बंदा अनमैरिड था, अनमैरिड था, उसकी मॉम और डैड का हिस्सा बताएं, उसकी मॉम और डैड का हिस्सा बताएं। तो ये मैंने शायद आपको भूल गया, मैंने नहीं बताया था, इसलिए पढ़ने में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अनमैरिड पर्सन का मदर का 1/3 हिस्सा होता है और 2/3 फादर का होता है। आपके पास 6 लाख है ना, 6 लाख है, तो 6 लाख आपने क्या करना है, 1/3, 6 लाख जरा 1/3 करें तो 2 लाख आ गया, 2 लाख वालदा को चला जाएगा, 4 लाख वालद को चला जाएगा, ठीक है जी। वालदा का 1/3 है और वालद का 2/3 है जी। आपके पास इस्लामिक हेरिटेज लाख वाले क्वेश्चन होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अब कर लेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछ लेता है। अब नेक्स्ट आपके पास मुताला पाकिस्तान है, तो मुताला पाकिस्तान का आपने मुगल डायनेस्टी करनी है अच्छे तरीके से। ये पहली ग्रेटर मुगल जो है ना आपके पास 1526 से लेकर 1757 तक वाले, ठीक है जी, वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इसको आपने एक लफ्ज़ याद करना है, बादशाह, BHAJSA बादशाह। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जी फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब, ठीक है। इनकी तरतीब पूछ सकता है, बताएं जी बाबर के बाद कौन आया था, बाबर से पहले कौन आया था, अकबर से पहले कौन, शाहजहां से पहले, ये सक्सेसर और प्रीडेसर वगैरह के क्वेश्चन में पूछता है, तो ये आपने क्लियर कर लेने हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये चूंकि कल हमारा संडे भी है, संडे ऑफ है, हमने लेक्चर नहीं देना, तो आपने ये जो मुगल डायनेस्टी है ना इसको सिर्फ पढ़ने या समझाने वाले तो बात इसमें है कोई नहीं है।
तो ये सारी आपने सूरी डायनेस्टी भी इसके अंदर ही आती है, तो ये आपने पढ़ लेना है इंशाल्लाह ताला, आप इसको इजीली कर लेंगे। तो यूँ हमारा मैथमेटिक्स के साथ साथ मुताला भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम इंशाल्लाह ताला छुट्टी करेंगे, मंडे वाले दिन आपका वीकली टेस्ट लेंगे, साथ जो ना इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के वाले से इसको मुताला पाकिस्तान करोगे, और मैथमेटिक्स के वाले से रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।